बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए NCL, IIT, BHU और मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था सिंगरौली इको टूरिज्म सर्किट के फॉर्म में। और इसी सर्किट को प्रमोट करने के लिए हमने एक सिंगरौली एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव शहीदी दिवस के दिन यानी कि 23 मार्च को। इस इनिशिएटिव के तहत हमने विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म और माइंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने एक सर्किट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट किया, जिसमें सोन घड़ियाल सेंचुरी, बगदरा सेंचुरी, NCL की माइंस, पर्टिकुलर निगाई माइन। मॉर्निंग में कोल माइंस गए, वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने को मिला। लोग आजकल इंजीनियरिंग उतना मतलब कोर में जाते नहीं हैं, बट वंस यू विल कम टू दीज एरियाज जहाँ पे उसकी कोर की चीजें हो रही हैं, जो फील्ड वर्क है कि कैसे पूरी माइनिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, हमने काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया। हमें लाइक स्टेप बाय स्टेप हर चीज NCL के थ्रू बताया गया। हमें काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस था वहाँ भी कि मतलब जो चीज़ें थी वो हमने आज तक YouTube पे या Google पे कहीं पढ़ी थी, बट उनको लाइव अपनी आईज से देखना वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और अपना संजय टाइगर रिजर्व, और जो होम स्टे है जो मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से प्रमोट किया जा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे किए। जो होम स्टे था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमने वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उनके फोक सॉन्ग्स, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स थे, उनको सुना, उनके साथ डांस किया और हमने भी कुछ अपने सॉन्ग्स को ऐड करते हुए उनके साथ डांस किया, जो कि एक ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। खाना जो तक मतलब एक खाना बहुत बेस्ट पार्ट था, घर का खाना था और टेस्टी था . उसके बाद हम रॉक शेल्टर्स देखने गए जो हमारे अर्ली ह्यूमंस है, वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स थी और वहाँ पे बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ें भी हैं। रात को हमने स्टार गेजिंग की, इतने सारे स्टार्स थे। कम टू दीज एरियाज, यहाँ पे जो नाइट स्काई दिखेगा यू विल फॉल इन लव विद इट। और अभी हम लोग यहाँ आए हैं, वाटरफॉल में आए हैं और हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट तुरंत नहा के निकले और बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल प्रकृति के पास है हम लोग। मेरी बेटी भी इन चीज़ों को देख रही है क्योंकि शहरों में हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। यहाँ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इस इनिशिएटिव से सबसे ज़्यादा जो हमारा एफर्ट्स है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इको टूरिज्म के तहत हम लोग लोगों को एक तरह से एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक कर पाएँ और उनको बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस बता पाएँ। साथ ही साथ हमारा मकसद ये है कि जो भी आदिवासी एरिया है या जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे एक रोज़गार के नए हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, जिसके तहत हम लोगों ने विलेज टूरिज्म स्टार्ट किया था जिसमें होम स्टे था यहाँ पे संजय टाइगर रिजर्व के जो आसपास के जो गांव हैं। दूसरा इसके पीछे जो एक कोशिश है हमारी कि जितने भी अकेडमिक इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रीज हैं वो लोकल ट्राइबल और विलेजर्स के साथ में इंटरेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और अपने सॉल्यूशंस उन तक परकुलेट करें, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो या सॉफ्ट इंटरवेंशन हो, भले वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो या दूसरे फील्ड हो। हम लोगों को NCL और IIT BHU का जो इनक्यूबेशन सेंटर था वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ अपॉर्चुनिटी देखा, चैलेंजेज देखे और वहाँ देखा जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो मॉडर्न प्रिसाइज एग्रीकल्चर है उसके फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसका कुछ काम जो है इन लोगों ने स्टार्ट किया है जो मैं पहले सोच रहा था, और मैं देखा जो ये लोग रियल फील्ड पे वही चीज़ कर रहे हैं, हो सकता है मैं और नया चीज़ उसमें जोड़ सकूँ, बच्चे लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। तो आज हमने ये सब यहाँ पे विजिट किया, देखा, पूरा 3 दिन का हमारा टूर कंप्लीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा हमने ये चीज़ देखा है कि जब इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं तो लोगों को दिलों से कनेक्ट करने का ये बहुत बड़ा एक साधन है इको टूरिज़्म। ये नॉर्मल टूरिज़्म से अलग इसलिए है कि यहाँ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया जाता है। यही है हमारा इनिशिएटिव सिंगरौली इको टूरिज़्म सर्किट।